फाउंडर सुशील केड़िया के पास। सुशील गुड मॉर्निंग। पहले मार्केट की बात कर लें एक बार, वो टारगेट्स काफ़ी करीब आ रहे हैं 21600 के निफ्टी पर, क्या करें यहाँ पर और बैंक निफ्टी पर क्या करें? तो देखिए, जब दूर से तो एक अनुमानित फिगर लेना पड़ेगा, तो 18800-19000 पर 21200 से ज्यादा का हम दुस्साहस कर नहीं पाए। अगर ये चार्ट आपके साथ शेयर हो पा रही है तो मैं उसको दिखा के बताना चाहूंगा। अब हम जब 21200 पर आ गए तो भी यहां से वो पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं कि हम निफ्टी को इमीडिएटली उठा के बेचते हैं, और बैंक निफ्टी अगर करीब करीब 48000 तक का अनुमान रहा है, और अगर आप ये बैंक निफ्टी की भी चार्ट को, क्या पता आपका पीसीआर दिखा सके, तो यहाँ आके जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है बैंक निफ्टी भी, पर अब 48200-300 कुछ भी हो सकता है। तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव बनाने की भाषा में बात करूं तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे। मेरे लिए यहां से अगर निफ्टी 21600 तक भी चली जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, और आगे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के कारण जो निफ्टी में कोनंड्रम बना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कबीरदास जी की कही हुई दो लाइनों का सहारा लेना चाहूंगा। सिंहों के लेहड़ नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। शेर झुंड में नहीं चलता, हंसों की पंक्ति नहीं होती, रत्न जो होते हैं बेशकीमती उनको बोरे में नहीं भरा जाता, और साधु जमात में नहीं चलते। वही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे भी लागू होती है, इनकी अपनी अपनी ऑर्बिट्स है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, डॉक्टर रेड्डीज कल एक झटके में 5% नीचे चला गया और आज ये रीबाउंड है, और अब हम इसको शॉर्ट सेल करने की तैयारी में है, जबकि निफ्टी पे अभी भी 500 पॉइंट की तेजी का व्यू लगता है। तो उसी तरह से भारती, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, हम अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, इस तरह के स्टॉक ने, लगता है इन सब स्टॉक्स ने अपनी ऊपर की चाल कंप्लीट कर दी है और ये गिरने को तैयार हैं। एक एक करके जब सिग्नल आएंगे, कल इंफोसिस का एडीआर कैसे लुढ़क गया, तो अब बाजार में ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां सिर्फ तेजी 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 सोच के अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर लोगे तो महीनों का कमाया हुआ 2-3 दिन में भी निकल सकता है। तो हम जो अप्रोच ले रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स को हम एक लिस्ट में पकड़ के चलते, इन स्टॉक्स को हमें लेना ही नहीं है अब, चाहे यहां से 5% भी बढ़ जाए, जब सेल सिग्नल मिलेगा हम बेचेंगे। तो उसमें से कुछ नाम मैंने आपको बताए, बट फिलहाल एक बार अगर 21600 तक जाती भी है निफ्टी तो वही हमारे फेवरेट जो है कि अडानी इंटरप्राइज हो सकता है, यहां से भी 21600 की यात्रा में 15-20% बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, 15% बढ़ जाए। ITC यहां से 10% बढ़ जाए। हिंदुस्तान लीवर बिल्कुल ही नहीं चला है, वो रेडी है कभी भी अचानक शूट अप कर दे। रिलायंस पुश हो सकता है। तो मोस्ट ऑब्वियस जो कल आप बात कर रहे थे ऋतिक स्टॉक्स की, तो ऋतिक स्टॉक्स चले हैं और ये साइड के जो खरगोश हैं इनमें टाइम टू टाइम बड़े बड़े करेक्शंस आ जाएं, शायद इस तरह का बाजार मुझे लगता है दिसंबर में रहेगा। ओके, तो ऋतिक स्टॉक्स में आपको कौन से ज्यादा पसंद है और खरगोश स्टॉक्स में कौन से पसंद है? देखिए, ऋतिक तो सारे के सारे ऋतिक ही है, ऋतिक तो पूरा ही पसंद है इस वक्त, तो पूरा ही ऋतिक जो है वही अब अंतिम मोर्चा संभाले हुए। टाइम टू टाइम बीच में ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, कोटक महिंद्रा का चैनल टूट गया, वो देखिए आपके सामने चार्ट है, कोई इंट्राडे में स्टॉप लॉस ले लेगा, स्टॉप लॉस लेते वापस रिवर्स मार जाएगा, 19-10, 19-20 तक चला जाएगा। तो ब्रॉडली ऋतिक स्टॉक्स मुझे लगता है निफ्टी की तेजी के माहौल को बरकरार रखेंगे, और खरगोशों में ज्यादातर ना अनुज सेल सिग्नल्स की वेट है। अब डेल्टा कॉर्प मान लीजिए बैन पीरियड में, तो एक खरगोश है जिसके हम 20-25-30% उछलने का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे बैन से निकलेगा ट्रेडिंग रिज्यूम होगी फटाक से स्टॉक उछल जाएगा। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं फ्यूचर्स में, और अभी भी मजा और मलाई मुझे दुनिया भर का कैश के स्टॉक्स में नजर आता है। ओके, तो कैश के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं फिर यहाँ से। चलिए, रॉकेट शेयर हमने बहुत यूज कर लिया, कुछ और टर्मिनोलॉजी निकालते हैं यहाँ से। बिग बोल्ड कॉल्स कौन सी होंगी, कौन से बड़े स्टॉक्स होंगे यहाँ से? तो देखिए, जैसे रोटेशंस होते हैं, जो कबीरदास जी का दोहा है, स्टॉक रोटेशंस की बात को समझा रहा था। तो एक जमाने की जो डार्लिंग्स होती थी, जैसे आपका तानला प्लेटफॉर्म, तानला सॉल्यूशंस, हैप्पीएस्ट माइंड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज, अब ये सारे बॉटम ऑफ द बैरल को स्क्रेप करने के बाद, अच्छा लॉन्ग टर्म रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद हायर बॉटम बना रहे हैं। और ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से नहीं, अगर बीच में कोई निफ्टी में 1000 पॉइंट का करेक्शन आ जाएगा, उससे इन स्टॉक्स में इफेक्ट हो जाने वाले हो, तो उन निवेशकों के काम की चीज नहीं। साल भर का व्यू लो तो मुझे लगता है इनमें से तीनों ही स्टॉक 2-3 गुना होने की तैयारी कर चुके हैं,
और उस तरह का निवेश करने का समय अब इन स्टॉक्स में आ गया है। तो निफ्टी भले 21,000 की हो जाए, हर लेवल पर कोई ना कोई कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स का बॉटम बन रहा है, और मुझे लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन का सारा काम ही यह है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट लेवल्स सेफ पैसा कहाँ लग सकता है वो खोजें, अपने सेफ्टी वाल्व को, स्टॉप लॉस को डिफाइन करें। तो ये नजारा हैप्पीएस्ट माइंड्स और तानला अब मुझे लगता है साल भर के दृष्टिकोण में 2 से 3 गुना पैसा इनमें हो जाए। ओके चलिए ठीक है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में कुछ व्यू बन रहा है क्या सुशील आपका? हो गया मेरे हिसाब से इन सबका ट्रेडिंग टॉप पर। अब जिस तरह से जोर से डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट है, जोर से एक साथ ही जो गैप हो जाते हैं, तब तो आप यहाँ कूद के बेचोगे और बीचते के साथ रैली दे देंगे, तो अब इनको रीबाउंड में आने के बाद अब ये सेल ऑन रैलिस की कैटेगरी में आ गए। यहां से देखिए बीपीसीएल में हमारा व्यू था बाय ऑन पुल बैक, बाय ऑन पुल बैक। वीरू ने यहाँ पे दोबारा पूछा, तो मतलब जो नीचे लिया वो उसी को संभालेंगे, जिस दिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसका भी है पोजिशन बचा हुआ वो कट जाए, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गए यहाँ से। ये देखिए ग्रीन लाइन के नीचे जाते ही, अब एनी रीबाउंड्स एंड एनी पुलबैक्स इन एचपी बीपी आईओसी दे आर मतलब ट्रेंड के अनुसार बात करें तो अब इनको यहां से बेच के ही कमाने में सार नजर आता है। अच्छा, दो और स्टॉक्स जहां पर काफी बड़े मूव्स आए अगर आपने चार्ट्स पढ़े हो, टाटा पावर और जीएमआर एयरपोर्ट्स। देखिए टाटा पावर अभी भी संभाले रखने लायक है, पर आप इसको नया नहीं ले सकते। अब ये यहाँ इस तरह की रैली देने के बाद, यहाँ हमारा बाई पॉइंट था, चलते जा रहा है वो। अब जिस दिन भी एक हमको हमारे अपने पैरामीटर्स है 4-5 दिन की आरओसी के नीचे बंद हो जाएगा तो ये टेक प्रॉफिट हो जाएगा अग्रेसिवली। आप इसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, आप देखो आरएसआई भी डाइवर्जेंट है, पर कभी भी इसका ट्रेंड वापस ऊपर हो गया और बढ़ने लग गया तो यू के नॉट रूल आउट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, पर यह अब नया नहीं ले सकते। और जीएमआर में अगर लॉन्ग टर्म बाई है तो समस्या यह कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ऑलरेडी वो टॉप आउट हो रहा है, इसको हम पुल बैक में ही ले पाएंगे, यहाँ चढ़ के लेने के लायक अब जीएमआर में भी कोई जगह नहीं बची है। तो नया लेने की कोई गुंजाइश नहीं है दोनों में, और बेचने की घाई मत करिए, जब सिग्नल आए तो टेक प्रॉफिट करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, और नीचे पुल बैक में जब भी आ जाए ये वापस कदाच लेने लायक होंगे, ऐसा ही अभी तक चार्ट है। सुशील, जी पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि बहुत सवाल आते हैं इस पर और ये बैन में एंट्री एग्जिट इसी में लगा रहता है, लेकिन आज क्योंकि बैन से बाहर है, सुबह चला अब एकदम से गिरावट आई हायर लेवल से, यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है आपका चार्टिकली? आप जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं राइट? एंटरटेनमेंट, हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इलस्ट्रेट हो जाएगा। जी पे हमने अपने निवेशकों को यहाँ 180 के आसपास से उनको बिल्कुल उत्तेजित किया, उन्हें मोटिवेटेड किया कि भैया डिलीवरी उठा लो, 450 हो जाएगा। इस एक रन के बाद टेम्पररी जो टेक प्रॉफिट आया है, जिग-जिग जिग-जिग स्टॉक था कि भैया जब तक इस सफेद लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा हम नया नहीं लेंगे, पर जिस दिन इसमें सफेद लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया, आप आवरली चार्ट पे देखो लॉन्ग टर्म का तो ब्रेकआउट आ गया पर शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो गया, तो यहाँ हमने अपने निवेशकों को कहा कि इसको अभी भी नहीं लेना। और आज के स्पाइक के बाद अब जब ये 2-4 दिन में थोड़ा ठंडा होके अगर पुल बैक दे देगा तो हम इसको जरूर लेंगे, पर अगर ये पुल बैक नहीं देगा तो जितना है उतने को संभालेंगे। तो अलग अलग टाइम होराइजोन पे एक्शन लेने वाले हमारे ऑडियंस के लोगों के लिए अलग अलग चीजें, कोई ये ब्रेकआउट की बात आज मैं ऐसा कह देता पूरी बात को स्पष्ट किए बिना। तो अनुज आपका चैनल बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहता है रिटेल इन्वेस्टर को चोट लगने से बचाने में, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में बताने की लिबर्टी ली। तो इसको पुल बैक में हम लेंगे और इसको ब्रेकआउट तो आ चुका है, पुल बैक में लेना है, और ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है तो क्वांटिटी को छोटा रखिए। ओके चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज फेड की वो सॉरी यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है और कल फेड की मीटिंग है, डॉलर पर क्या व्यू बन रहा है और यूएस बॉन्ड यील्ड पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए एक बार फिलहाल मुझे लगता है जनवरी के पहले सप्ताह तक कहीं ये देखिए उत्सुक हो जाना और व्याकुल हो जाना तो मानवीय प्रकृति है, पर जिस तरह से मार्केट्स की चार्ट्स को मैं पोजीशन देख रहा हूं, ब्रॉडली कोई भी तरह का तनाव ये कोई भी डेटा पॉइंट्स में से आएगा, इस तरह की चार्ट्स पर पोजिशनिंग नहीं है। और डॉलर इंडेक्स पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात को अभी से समझना जरूरी, हमने महीने भर पहले भी कहा था कि एक तरफ तो मुझे डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी मंदी लग रही है जिसके कारण इक्विटी मार्केट्स ब्रॉडली अगले महीने 1.5 महीने ऊपर ऊपर की तरफ होके चलेंगे, टाइम टू टाइम कोई करेक्शंस आ गए इंडिविजुअल स्टॉक्स में अलग बात है, पर विद इन डॉलर इंडेक्स एक बहुत भयानक चीज हो रही है।
जैपनीज येन जो डॉलर के सामने 152 तक चला गया था पिछले 1.5 महीने से, केडियानोमिक्स का कॉल है अगले 6 महीने में हम उसे 100 तक देख सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो बिल्कुल न्यूनतम ब्याज दर आठाने के ब्याज पे जो जापानीज येन को लोगों ने बोरो करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड सट्टा मचाया हुआ है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो अगले 1-2 महीने की यूफोरिया में उसके बाद वाले 6 महीनों पर नजर रखिए, क्योंकि ये येन आने वाली मंदी का कारण बनेगा। और ये येन बेतहाशा एक तरफा स्ट्रांग होता जाएगा, तो हमने आपके भी चैनल पर कहा था कि हमें रूपी के टर्म्स में येन 71-72 तक जाते लगता है, 35-40% कमाने का करेंसी ट्रेड है, तो वहां पर नजर रखने की असली जरूरत है। इन्फ्लेशन डेटा और फेड तो अभी मीठी मीठी बातें करेंगे ऐसा लगता है। ऑलराइट, चलिए सुशील सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ट्रेड्स पर बात करने के लिए।